एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स नेम टेक्निकल रॉकस्टार। सो आज मैं आपके लिए कॉन्टेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आपको एक अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप अपना यूट्यूब ऑन करते हो और यूट्यूब ऑन करने के बाद आप किसी की वीडियो को चलाते हो, किसी की वीडियो को आप देखते हो, तो वीडियो देखने के बाद यानी जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, तो अगर आपको वीडियो की जब आपको क्वालिटी सेट करनी होती है तो आप उसकी क्वालिटी को, आपका नेट ज़्यादा खर्च नहीं होता और नेट ज़्यादा खर्च नहीं हो और वीडियो क्वालिटी भी आपको अच्छी देखनी, तो उसके लिए आप उसको 240 तक आप मिनिमम उसको चला देते हो। बट जब आपकी जो नेट की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा आती है, यानी कभी कभी नेट की स्पीड जो है कभी स्लो हो जाती है, कभी ज़्यादा आती है, तो इस तरह चलता रहता है नेट में। तो नेट की स्पीड जब आपकी ज़्यादा आती है तो एकदम से जो आपकी नेट की स्पीड जो ज़्यादा आती है उससे जो आपकी वीडियो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपने 240 पर चलाया तो वो इंक्रीज होकर 360 या फिर 480 पर भी पहुंच जाती है, तो ऐसे जो आपके नेट है वो भी ज़्यादा स्पीड से यानी जो खर्च होने लगता है और जो आपकी वीडियो क्वालिटी है वो तो आपकी दिखेगी अच्छी, क्योंकि आपकी जो 360 और 480 पर तो आपकी वीडियो क्वालिटी तो अच्छी होगी, बट आपका जो नेट है वो ज़्यादा खर्च होने लग जाता है। सो उसको आप कैसे रोक सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने जो वीडियो क्वालिटी है उसको आप 1 पर कैसे सेट कर सकते हो एंड जो आपका नेट है वो भी आपका कम खत्म होगा और जो आपकी वीडियो क्वालिटी है वो आप 1 पर ही सेट कर पाओगे, भले ही आपकी जो नेट की स्पीड है वो कम हो या ज़्यादा हो, आपकी जो नेट की जो क्वालिटी आपने सेट की है वीडियो क्वालिटी वो आपकी 1 पर ही रहेगी, चाहे वो आपकी 240 पर ही मिनिमम रहेगी। वो 240 से ऊपर आप उसको बढ़ा सकते हो, नहीं तो वो अपना नहीं बढ़ेगी। सो वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफी अमेजिंग होने वाले, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड आपका टाइम इसमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा टेक्निकल रॉकस्टार यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो मैंने अपने यूट्यूब को ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब मैं आपको किसी की वीडियो चला के दिखाता हूँ। जैसे मैं इसकी वीडियो चला लेता हूँ, मैं आपको इनकी वीडियो चला के दिखा देता हूँ। सो मैंने इनकी वीडियो जो है ओपन कर ली है। इसके बाद अब आप जैसे यहाँ पर ये वीडियो चल रही है आपकी, तो जितनी भी क्वालिटी पर चल रही है, अब आप यहाँ पर इसको क्वालिटी को यानी हल्का करने के लिए, कम करने के लिए आप अपने 3 डॉट पे क्लिक करते हो। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देते हो। तो आप पहले यूट्यूब पर इतना सब कुछ नहीं था, पहले यूट्यूब पर क्वालिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सीधे आपके सामने उसकी जो एवरेज है यानी जितनी पर भी आप चलाना चाहते हो वो आपके शो होती थी, बट अब काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आ चुके हैं। तो इसके लिए आप एडवांस ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से 144 से 240 पर इसको सेट कर देते हो। जैसे मैं 240 पर ही कर देता हूँ और जैसे ही मेरे नेट की जो स्पीड है वो सेट यानी थोड़ी स्पीड जो है वो तेज़ होगी, तो जैसे ही मेरा जो ये 240 की क्वालिटी पर मैंने जो सेट किया है ये 360 या 480 पर पहुँच जाएगी। सो अब आप इसको कैसे रोक सकते हो, तो इसके लिए आपको दोबारा 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने क्वालिटी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एंड क्वालिटी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नीचे आपको ये वीडियो क्वालिटी, आपको ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है वीडियो क्वालिटी वाले। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है आपको अपने जो क्वालिटी है उसको आपको डाटा सेवर पर रख देना, यानी अगर आप उसको अपने नेट से चलाते हो मोबाइल नेट वीडियो क्वालिटी और मोबाइल नेटवर्क, तो मोबाइल को नेटवर्क के लिए आप अपनी वीडियो क्वालिटी को जितने पर भी सेट करना चाहते हो। अगर आप ऑटो पे करोगे तो आपकी जो क्वालिटी है जैसे मैंने आपको बताया था स्पीड जैसी तेज आएगी तो वो आपकी जो क्वालिटी है अपना इंक्रीज होती चली जाएगी। एंड हायर पिक्चर क्वालिटी, तो इस पर तो आपकी जो ऑलरेडी अपनी जो आपकी वीडियो है वो यानी जो ज़्यादा उस पर चलेगी, ज़्यादा क्वालिटी पर चलेगी। एंड डाटा सेवर पे आपकी जो क्वालिटी है वो अपनी जो मिनिमम इसकी जो क्वालिटी चलती है डाटा सेवर पे वो है 240 पर, 240 पर जो है इसकी क्वालिटी चलती है जब आप इसको डाटा सेवर पर ऑन कर देते हो। 240 से ना तो ये ऊपर होती है, 240 से ना ये नीचे होती है। तो जब आप इसको सेट करोगे, अगर आप इसको क्वालिटी को और बढ़ाना है तो आप इसको 360 या 480 पर कर सकते हो जब आपको वीडियो देखनी हो। बट इसको यानी आप इस पर क्लिक करके अगर आप वीडियो बेस्ट चलाओगे नॉर्मली तो आपकी जो क्वालिटी है वो 240 पर ही चलेगी। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई, जो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई। तो ये जो आपके अपनी वाईफाई कनेक्ट करके अगर आप वीडियो चलाते हो किसी का, तो उसके लिए आप इसको सेट कर सकते हो, यानी ऑटो पे जो आपको मैंने बता दिया इन तीनों का वो ये तीनों यहाँ पर। तो डाटा सेवर पे इसको मैंने डाटा सेवर पर कर रखा है, अगर मैंने किसी का यानी वाईफाई चला कर भी मैंने किसी को कनेक्ट किया तो वो डाटा सेवर ही पर चलेगा। तो जो नेट है वो थोड़ा कम होगा खत्म,
एंड जो पिक्चर यानी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी 240 मतलब काफ़ी सही है, 240 पर वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड अगर आपको और ज़्यादा सेट करनी है तो आप यहाँ से आकर इसको सेट करके एंड आप 360 480 जितनी भी चलानी है आपको वो चला सकते हो। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो क्वालिटी है वो ऑलरेडी 240 पर सेट हो जाएगी, जैसे मैंने अब इसको सेट कर दिया है। एंड यहाँ से मैं इसको नीचे लूँगा, आप देखो मैं यहाँ पर आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ। सो मेरी जो वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पर, मेरे पहले जो आपकी क्वालिटी थी वो 144 पर थी, अब 240 हो गई अपने आप। तो जैसे मैंने उसको मैंने ऑलरेडी किया हुआ था ये डाटा सेव ऑन, बट पहले शुरू शुरू में जब आप अपनी वीडियो किसी को स्टार्ट करोगे एंड जब अगर आप वीडियो का उसमें इंट्रो है तो वो जो इंट्रो वो आपको यानी कुछ टाइम के लिए जो वीडियो वो आपकी 360 या 144 अलग चल सकता है, बट 5-6 सेकंड के बाद जो अपनी क्वालिटी है वो डाटा सेवर अपना ऑन हो जाएगा एंड 240 पर वो आपका चालू हो जाएगा। तो काफ़ी सही है इस ऑप्शन को ऑन करने से, आपकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेस्ट चलती है, क्वालिटी वीडियो क्वालिटी भी आपको काफ़ी बेस्ट मिलती है एंड आपका नेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो जो है ख़त्म होता है। तो ज़्यादा नेट भी ख़त्म नहीं होता, ज़्यादा नेट भी खर्च नहीं होता एंड आपकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह आप अपनी वीडियो क्वालिटी को आसानी से चला सकते हो, वीडियो चला सकते हो एंड जो आपका नेट है वो भी आपका कम ख़त्म होगा और आपकी जो क्वालिटी है वो भी आपको सही देखने के लिए मिलेगी। इस तरह आप अपनी जो पिक्चर यानी सॉरी वीडियो क्वालिटी है वो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हो एंड आपका जो डाटा है वो भी आपका कम खत्म होगा, कम खर्च होगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी आपको नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जिससे काफ़ी ज़्यादा मुझको सपोर्ट मिले। एंड मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।